तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं डकने रेलवे स्टेशन की पार्किंग पे। यहां पे मैंने अपनी बाइक पार्क कर दी। अब बाइक पार्क करने के बाद अपन बढ़ेंगे टिकट विंडो की ओर, भी वहां से टिकट लेते हैं अपन अकलेरा के लिए। तो देखो ये यहां का डकने रेलवे स्टेशन का जो टिकट विंडो है, ये बाहर से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यार यहाँ भीड़ तो काफ़ी लंबी लगी हुई है, लाइन भी काफ़ी लंबी है। तो टिकट लेते हैं अब अपन, और ये मैंने टिकट ले लिया है दोस्तों, जिसमें किराया 35 रुपये लिखा हुआ है। अब चूंकि मैंने सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं किया, तो सबसे पहले मैं अपने लिए पोई पैक कराऊंगा और फिर ट्रेन में खाने का प्लान है अपना। तो यहाँ का जब अपन बढ़ते हैं आगे रेलवे स्टेशन है, देखो यहाँ से अपन ब्रिज क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद अपन अपोजिट साइड में जाएंगे, क्योंकि जो मेरी ट्रेन आने वाली है वो आने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 2 में। तो मैं यहाँ से आपको ब्रिज से थोड़ा एरिया दिखा देता हूँ। यहाँ का ये पार्किंग एरिया देखो भाई साहब, कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है। मतलब इस ट्रेन से काफ़ी लोगों को सुविधा हुई है यार, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक तो कोटा से जो इकलेरा की डिस्टेंस है वो लगभग 150 किलोमीटर है, और किराए की बात करूँ तो केवल 35 रुपये यार, जो कि बस से जो जाया करते थे पहले तो 150-200 रुपये किराया था। तो गवर्नमेंट का जो ये काम है ना, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आम जनता को इसका फ़ायदा हो रहा है डायरेक्ट तरीके से। मतलब और देखो स्टेशन पर भीड़ देखो आप यार, मतलब और ये जो भीड़ है ना, डेली की भीड़ है। मतलब डेली जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, जो अप डाउन करने वाले होते हैं, जो कोई भी मतलब किसी प्रकार के हो, तो उनके जाने के लिए काफ़ी सस्ती ट्रेन है। और देखो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये डकने का रेलवे स्टेशन है, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। और अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से यार बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब ये अच्छे लेवल पे बनने वाला है थोड़े दिन बाद, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है और डिमांड भी थे मतलब लोगों की बहुत ज़्यादा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? मैं विनोद एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में। तो गाइस आज अपन जो विजिट करने वाले हैं वो है कामखेड़ा के बालाजी, जो कि मनोहर थाना साइड में है। तो मैं अभी हूँ डकने रेलवे स्टेशन, यहाँ पे मैं ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। और डकने रेलवे स्टेशन की मैं बात करूँ तो भी मतलब रिनोवेशन का काम काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है यार। यहाँ पे देखो मेरे पीछे, ये मतलब आने वाले टाइम में मैं बता सकता हूँ आपको कि हर ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ पे होने वाला है। ये बहुत अच्छे लेवल पर इसका निर्माण किया जा रहा है। और एक ट्रेन आ भी रही है यार, ये ट्रेन मेरी है क्या शायद, पता नहीं जाने कौन सी ट्रेन, अभी देखते हैं। तो ये है डकने रेलवे स्टेशन, यहाँ से मैं पहले इकलेरा जाऊँगा, इकलेरा से फिर वहाँ से मैं जाऊँगा कामखेड़ा के बालाजी। तो मैं आज आपको कामखेड़ा के बालाजी के दर्शन कराने वाला हूँ। हाँ वो ट्रेन अपनी नहीं थी, ट्रेन किसी और की थी, पता नहीं जाने कहाँ जाने वाली ट्रेन थी वो। मुझे लगा मेरी ट्रेन आ गई यार इतनी जल्दी, अब जस्ट आया जस्ट ट्रेन आ गई। मतलब मैं उठा यार बहुत जल्दी, मैं उठा, मैं 6 बजे उठा, नहाया धोया फटाफट, मैंने नाश्ता भी नहीं किया, मैंने पोहे पैक कराए। अब ट्रेन में मैं पोहे खाने वाला हूँ। और मैं बात करूँ यहाँ से, अगर इकलेरा की डिस्टेंस बात करूँ तो डिस्टेंस है यहाँ से 147 किलोमीटर, यानी कि ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से। हाँ फिर इकलेरा के बाद से फिर देखते थे कि मनोहर थाना कितना किलोमीटर है, क्योंकि मनोहर थाना क्या मतलब कामखेड़ा के बालाजी जा रहा हूँ मैं, तो मैं पहली बार जा रहा हूँ, मुझे भी नहीं है पता हुआ कि डिस्टेंस का कितना क्या है। तो अपनी ट्रेन आ चुकी है दोस्तों, ये आपको नहीं दिखाई देगी, ये देखो अपनी ट्रेन है, तो चलते आगे। तो फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन आ चुकी है, जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार था। और यार इसमें तो मतलब कोटा स्टेशन से भीड़ आ रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यार इसमें तो। और ये अपना बोगी है, यहाँ पे मैं बैठने वाला हूँ, जनरल कोच है, मतलब जनरल डिब्बे होते हैं इसमें सारे के सारे, मतलब तो कोई दिक्कत नहीं था स्लीपर वलीपर का। अरे भाई साहब सो रहे मस्त आराम से, यहाँ बैठेंगे अपन। और अपन की ट्रेन हो चुकी है रवाना, और बोलते हैं अपन डकने स्टेशन को बाय बाय, और बढ़ते हैं इकलेरा की तरफ, कामखेड़ा के बालाजी की तरफ, जय बजरंग बली। और यहाँ का थोड़ा बहुत मैं व्यू दिखा देता हूँ आपका, ये देखो यहाँ का जो व्यू है कुछ इस प्रकार का है मतलब। और ये अपन पहुंच चुके हैं दरा रेलवे स्टेशन है, ये कोई स्टेशन मतलब बताऊं कोई खास नहीं इतना, मतलब बहुत ज़बरदस्त नहीं, मतलब नॉर्मल नॉर्मल है। और ये दरा का सीन है थोड़ा, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और ये देखो सीन यार कितना प्यारा सीन है, मतलब ट्रेन राउंड ले रही घूम रही है यहाँ पर मतलब पूरा। और इस सीन के लिए तो भाई साहब मैं क्या बताऊँ, मैं आधा घंटा खड़ा रहा हूँ यार इस सीन को शूट करने के लिए, क्योंकि यार मुझे लगा चला जाएगा निकल जाएगा तो कैसे करूँगा, तो मतलब मैं गेट के पास खड़ा ही रहा था मतलब यहाँ पूरे टाइम। और ये अपन आ चुके हैं झालावाड़ रेलवे स्टेशन पे, देखो यार जैसा दिखाई दे रहा है कोई भीड़ भीड़ नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल रेलवे स्टेशन है ये, साफ सफाई तो है। तो दोस्तों फाइनली अपन पहुंच चुके हैं, ये है यहाँ का इकलेरा का रेलवे स्टेशन, देखो बिल्कुल मतलब इधर कोई दुकान भी नहीं यार। आगे चलते हैं, देखो कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि कोटा से यहाँ तक मैं अब पहुँच चुका हूँ। कोटा में ट्रेन रवाना हुई थी 7 बजे, और अभी टाइम हो रखा है सुबह के 10 बजे। मतलब मैं क्या बताऊँ, ये जर्नी मेरी इतनी बकवास थी, मैं ज़बरदस्त वाली मतलब क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि
ट्रेन में पानी भी नहीं आया बिल्कुल भी, और बीच में स्टेशन भी ऐसे आया कि वहाँ दुकानें ही नहीं मतलब बिल्कुल भी। और यहाँ भी देखते देखते आगे दुकानें है नहीं है। अब देखो जैसा कि मैंने इंटरनेट पर सर्च किया था कि यहाँ से जो कामखेड़ा के बालाजी वो पड़ेगा 15 किलोमीटर। अब देखते हैं यहाँ तो मुझे कोई साधन वाधन तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार। यहाँ चलते हैं देखे आगे, ये स्टेशन है यहाँ का। देखो पहली बार विजिट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो गाइस ये है इकलेरा का रेलवे स्टेशन, जो कि नई ट्रेन स्टार्ट हुई है, मतलब पहले झालावाड़ तक थी, झालावाड़ से इकलेरा के लिए बढ़ाई गई है तो यहाँ तक कर दी गई है। ये ट्रेन है जिसमें मैं आया हूँ। ठीक है, किराया बहुत कम है, 35 रुपये किराया मतलब इसका, और 150 किलोमीटर की डिस्टेंस अपन कवर करके आए। ये यहाँ का स्टेशन, चलते हैं बाहर देखे साधन का क्या है यहाँ से कामखेड़ा के बालाजी जाने के लिए क्या व्हीकल मिलता है मुझे। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को आगे की यात्रा, बने रहिए लास्ट तक। तो भाई साहब देखो मुझे तो लगी है बहुत तेज़ प्यास, तो सबसे पहले अपन अपनी प्यास को बुझाएंगे और फिर बढ़ेंगे आगे। ये सुविधा इन्होंने काफ़ी अच्छी कर रखी है, ब्लैक कलर के मटके, इनमें पानी भरा हुआ और पानी बहुत ठंडा था यार, शानदार। और ये देखो जिस ट्रेन में मैं आया हूँ ना, 10 बजे मुझे यहाँ छोड़ा, 10:30 बजे वापस ट्रेन कोटा के लिए रवाना होगी। तो टिकट विंडो पर भीड़ देखो यार आप, ज़बरदस्त भीड़ है, मतलब सवारी खूब है मतलब। और बाहर देखो ऑटो वगैरह, मतलब यहाँ से कामखेड़ा के लिए और इकलेरा जो अपना बस स्टैंड है वहाँ के लिए, मनोहर थाना के लिए, सब जगह के लिए आपको यहाँ से ऑटो टेम्पो मैजिक जो भी आपको चाहिए वो सब मिल जाएगी यहाँ पे। भीड़ देखो यार काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। तो यहाँ से अपन नीचे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से मुझे पहले जाना होगा इकलेरा का जो बस स्टैंड है, वहाँ बस स्टैंड से बस पकड़नी होगी। ये देखो यहाँ कुछ ऐसा व्यू है भाई साहब, तो ऊपर ही बैठ गया यार शानदार तरीके से, खतरों के खिलाड़ी हो रहे हैं तो मतलब फुल। तो ये है यहाँ का स्टेशन, तो बढ़ते हैं अपन आगे। अपन बढ़ चुके हैं अब और मैं जा रहा हूँ यहाँ इकलेरा का जो बस स्टैंड है वहाँ पे, फिर वहाँ से मुझे पकड़नी है बस। ये भाई साहब ये है इकलेरा का मार्केट और मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड पे, यहाँ से बस लूँगा और बस से मैं जाऊँगा पहले मनोहर थाना। अब मनोहर थाना क्योंकि मेरा एक दोस्त वो वेट कर रहा है वहाँ पर, तो फिर वहाँ से मनोहर थाना जाने के बाद फिर वहाँ से देखेंगे कामखेड़ा के बालाजी के लिए, देखें क्या साधन मिलता है। तो मैं इकलेरा रेलवे स्टेशन से भी इकलेरा बस स्टैंड पे जा रहा हूँ, रोडवेज या फिर जो मुझे बस मिलेगी वहाँ से मैं बैठ के जाऊँगा मनोहर थाना। तो ये यहाँ का देखो मार्केट है, ये देखो मैं बता दूँ आपको इकलेरा का मार्केट है भाई साहब ये। अब भाई साहब ने बताया था कि इधर जाना है मुझे, इधर बस स्टैंड है शायद मेरे हिसाब से। देखते हैं यहाँ से क्या साधन मिलता है मुझे। और फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ इकलेरा जो बस स्टैंड है वहाँ पे, काफ़ी नॉर्मल बस स्टैंड है यार देखो, बिल्कुल सिंपल है। और मेरी बस है जिसमें मैं बैठने वाला हूँ। और ये देखो यहाँ का मेन एरिया काफ़ी नॉर्मल है यार, कोई मतलब इतना कोई स्टैंड है नहीं। और मुझे लगी भूख, तो देखते हैं खाने में क्या है। मैं ककड़ी लेने का विचार है मेरा यार यहाँ पे। कैसे दे रहे हो भैया? 20 रुपये किलो? नहीं नहीं इतनी 10 की दो मेरे को तैयार खानी, बस 10 की दे दो, काट के कड़ी भी नहीं होनी चाहिए बस। और भाई साहब देखो किसी ने राजस्थान रोडवेज की बस अंदर से नहीं देखी है तो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है अपनी राजस्थान रोडवेज की बस। गर्मी बहुत तेज़ हो रही यार, मतलब हालत ख़राब होगी। बस रवाना हुई फिर जाके सुकून मिला बस, क्योंकि 25 मिनट तक खड़ी रही थी वहाँ पर। तो मनोहर थाना अपन पहुँचने वाले हैं बहुत, 2-5 मिनट पहुँच जाएंगे बस अपन। और ये है देखो यहाँ का मनोहर थाना का जो मार्केट है वो। अब बस वाले ने क्या किया यार कि मेन बस स्टैंड है वहाँ तक तो लेके गया नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो यहीं मार्केट में क्योंकि साइड में लगा दी और सबको यहीं पे उतार दिया, मतलब उसने अपनी बस खाली कर दी है। अब ये मनोहर थाना एरिया है, अब यहाँ पर मेरा एक दोस्त आने वाला, फिर उसके साथ बढ़ेंगे अपन आगे। तो दोस्तों रात को एक मैरिज पार्टी अटेंड करने के बाद अभी सुबह का टाइम हो रखा है 7:30 बजे और अपन निकल चुके हैं कामखेड़ा बालाजी की तरफ। तो पहले इकलेरा जाएंगे, वहाँ से नाश्ता पानी करेंगे, फिर वहाँ से अपन जाएंगे कामखेड़ा। तो अपन इकलेरा पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे देखो पोए हुए जलेबी या फिर समोसा जो भी खाना है खाएँगे, और फिर यहाँ से अपन बढ़ेंगे कामखेड़ा के बालाजी की तरफ। और ये इकलेरा का जो सुबह का मार्केट है, सुबह 7:30-8 का टाइम है। देखो ये ऐसे चौराहे का नाम हम तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं भी पहली बार आ रहा हूँ यार यहाँ पर। तो दोस्तों फाइनली अपने को जिसका इंतज़ार था बेसब्री से भाई साहब, मुझे मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कामखेड़ा के बालाजी के दर्शन करने के लिए। तो फाइनली अपन कामखेड़ा सरकार के दरबार में अपन पहुंच चुके हैं। ये देखो लिखा हुआ श्री कामखेड़ा सरकार, जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो यहाँ का मैं पूरा एरिया आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये बाहर का एरिया कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ दुकानें हैं। अभी ये देखो मार्केट बंद है क्योंकि मंगलवार नहीं है, मंगलवार शनिवार को तो भाई साहब गाड़ी इतनी अंदर तक नहीं आती, बाहर ही खड़ी करनी पड़ती है।
तो दोस्तों ये है श्री कामखेड़ा सरकार का मेन दरबार, देखो दर्शन कर लो आप सभी, जय श्री राम बजरंग बली। तो ये एरिया है देखो, यहाँ का मेन एरिया, तो मैं पूरा एरिया आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, परिक्रमा करते हुए जाएंगे अपन इस साइड से, पूरा अंदर से उस साइड तक, पूरा मतलब अपोजिट साइड तक, इसमें क्या है कैसे, सारी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। देखो आज इतनी भीड़ नहीं है यार, क्योंकि मंगलवार और शनिवार होता ना तो यहाँ ये फोटोग्राफी कर रहे ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं होता यहाँ पे, लेकिन आज फ्री है ना, तो इसलिए सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग, इसलिए अलाउ कर रखा है। तो पीछे से अपन बढ़ते हैं, अब आगे परिक्रमा का जो स्थान है ना वो ये है कि यहाँ से परिक्रमा के लिए अपन बढ़ते हैं आगे, ये पूरा इसको कवर करते हुए अपन जाएंगे आगे की साइड में। और उस साइड में मतलब ये देखो यहाँ पे दीपक वगैरह जला रखे हैं, परमानेंट है, मतलब ये दीपक जो जले हुए ना ये परमानेंट है यहाँ पे। ये देखो ये कुछ ऐसा व्यू यहाँ का, देखो बहुत ज़बरदस्त सीन है यार, मतलब इतना सुकून मिला मुझे तो भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और यहाँ पर जो दीपक जले हुए ना यार, मेरे हिसाब से परमानेंट जले हुए, देखो जो भी श्रद्धालु वगैरह है वो आते हैं तो अपना अपनी मनोकामना पूर्ण होती है या फिर मनोकामना मांगते हैं तो दीपक ज़रूर जलाते हैं यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ का परिसर कुछ ऐसा है, कैंपस काफ़ी लंबा चौड़ा है, बहुत बड़ा एरिया, मतलब पूरा का पूरा यार, ये देखो साहब बहुत ज़बरदस्त है। तो भाई साहब ये मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि एक बार कामखेड़ा बालाजी के दर्शन आप ज़रूर करें, बहुत ज़बरदस्त जगह और मान्यता इतनी ज़बरदस्त है ना कि एमपी तो मतलब इतना मानता है, एमपी वाले तो इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं यार, और एमपी नहीं इवन यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जाने कहाँ कहाँ से लोग बाग यहाँ पे आते हैं मंगलवार और शनिवार को। देखो सामने हवन टाइप का है तो इसमें नारियल और अगरबत्ती डाल रहे, इसलिए धुआं आ रहा है बाहर। और यहाँ पर मैं बताऊँ कुछ लेडी से बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे मना कर दिया वीडियो बनाने के लिए यार, नहीं तो मैं वीडियो ज़रूर बनाता यहाँ का। तो ये इधर देखो नारियल फोड़ने की मशीनें भी लगी हुई है, मेरे साथ हमारे मित्र आए हैं, ये परमानंद जिसके भाई की शादी मैंने रात को अटेंड करी थी, मतलब तो ये सुबह मेरे साथ आया दर्शन कराने के लिए, और ये मुझे इगलेरा रेलवे स्टेशन भी छोड़ेंगे कोटा के लिए, रेल पकड़नी मुझे। तो ये देखो यहाँ आगे मैं जैसे बढ़ाना तो लेडीज़ बैठी सामने, उन्होंने मुझसे मना कर दिया वीडियो बनाने के लिए कि भैया यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं किसी भी प्रकार से। तो आगे मतलब कुछ समझ सकते हैं अलग टाइप का हो रहा है यहाँ पर कुछ। तो ये देखो यार भाई साहब, ये अपने कामखेड़ा के बालाजी के तो दरबार, उसके सामने श्री राम भगवान का मंदिर है भाई साहब, इतना ज़बरदस्त मंदिर है। मेरा एक फ्रेंड ने बताया था यार कि ये जो मंदिर है ना, जो अपने वसुंधरा राजे सिंधिया उस टाइम पे प्रधान मुख्यमंत्री थी तो उसने बनाया था ये। तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है पूरा मंदिर, बना नहीं अभी, लेकिन मंदिर की जो बनावट है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। देखो कितना प्यारा मंदिर है यार, बहुत ज़बरदस्त है। अब देखो यार जहाँ पे हनुमान जी रहेंगे, श्री राम जी तो ज़रूर रहेंगे, क्योंकि श्री राम जी के परम भक्त कौन है, हनुमान जी है। तो ये देखो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है मंदिर का। तो दोस्तों आप भी दर्शन कर लीजिए, मैं श्री राम भगवान का आपको दर्शन करा देता हूँ। ये मंदिर है कुछ ऐसा व्यू बना हुआ है, देखो ऊपर का टॉप का, बहुत ज़बरदस्त है यार, बहुत ही प्यारा मंदिर है। मतलब ये देखो गाइस यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और मेरे साथ साथ बोलिए जय श्री राम। ये देखो यहाँ का मंदिर, बहुत प्यारा मंदिर है यार। तो मतलब कामखेड़ा बालाजी और श्री राम भगवान दोनों के मैंने आप लोगों को दर्शन करा दिए, और जगह बहुत प्यारी जगह। तो मैं आप लोगों से वही बात है कि रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार ज़रूर आए। तो दोस्तों ये देखो बाहर का एरिया कामखेड़ा के जो बालाजी है, अपने राम मंदिर के भी दर्शन कर लिए, श्री राम भगवान के भी, और अपने बालाजी महाराज जो कि कामखेड़ा के हैं वहाँ के भी अपन ने दर्शन कर लिए। और क्योंकि मैंने बताया आपको पहले भी, अगर मंगलवार और शनिवार होता तो यहाँ तक गाड़ी ला के आना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर आगे गाड़ी पार करनी पड़ती है, और वहाँ पे बैरिकेड्स वगैरह पुलिस वगैरह सब खड़े रहते हैं वहाँ पे, तो गाड़ी अंदर तक बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती है। तो गाइस ये था आज का अपना ब्लॉग, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए नई नई वीडियो बनाता रहूँ। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में किसी और नए स्थान के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।